सिरसागंज कोविड 19 के बढ़ते मामलों के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद के दिशा निर्देशन में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सिरसागंज के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल यादव और उनकी टीम द्वारा नगर पालिका परिषद सिरसागंज में कर्मचारियों और अधिकारियों की रैंडम सैंपलिंग का कार्य किया गया। डॉक्टर कपिल देव ने बताया कि रैंडम सैंपलिंग की जांच विधिवत कराई जाएगी। जो भी जांच कराना चाहता है वो रैंडम सैंपलिंग द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर आकर जांच करा सकता है, जिसकी जांच की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष सोनी शिवहरे ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो, कोविड 19 के केस बाहर निकल कर आए, जिससे समुचित इलाज कराया जा सके। हमारे प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में प्रतिदिन सैंपलिंग हो रही है, डेली सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इक्विपमेंट हमारे पास जो अभी संसाधन कम थे, उन संसाधनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत आगे तक बढ़ाया जा चुका है। उसी के आधार पर ये सैंपलिंग प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर हो रही है। एक अच्छी जागरूकता का ये परिचय है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा है तो पॉजिटिव केस, अगर उन पर हमारी अगर जागरूकता रहेगी तो इन केसों पर और इस महामारी पर हम रोक लगाने का काम कर रहे हैं। इसी आधार पर आज नगर पालिका परिषद में भी कोविड 19 की टेस्टिंग हो रही है, जिसमें पूरे हमने अपने कर्मचारियों को खुद स्वयं भी अपने कई लोगों के साथ इसकी यहाँ कोविड 19 की टेस्टिंग हो रही है, जाँच हो रही है।